हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मागेंटा लाइफ के लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी इन 2015 में। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मैट्रेस एंड पिलोज को एंड ऑफर करती है फॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें इंक्लूड है मेमोरी फॉर्म, लेटेक्स बेस्ड बॉन्डेड मैट्रेस, पॉकेटेड स्प्रिंग्स एंड पिलोज। इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो लोकेटेड है इन गुजरात इंडिया में, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 60,000 नंबर्स में इन फॉर मैट्रेस के लिए एंड 70,000 फॉर पिलोज के लिए। एंड जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ है वो है 41। एंड जो ये अपनी कंपनी ये जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट है वो कस्टमर के साथ साथ ऑफर करती है टू रिटेल्स, होटल एंड इंस्टीट्यूशंस को भी। तो ये तो हमने कंपनी के बारे में ब्रीफ में जान लिया कि कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर है, और जो भी इस आईपीओ से रिलेटेड इस कंपनी से रिलेटेड जो भी हमें जानना ज़रूरी था इस कंपनी के बारे में वो हमने अभी ब्रीफ में देख लिया है। आगे हम इस वीडियो को 4 पॉइंट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट में हम आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे, सेकंड में हम कंपनी के फाइनेंस को देखेंगे, थर्ड में हम कंपनी के जीएमपी को देखेंगे एंड फोर्थ में हम एनालाइज करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखिएगा ताकि आप इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ किसी भी आईपीओ से रिलेटेड, या फिर कोई नई आईपीओ से रिलेटेड नई वीडियोस लेकर आऊँ, या फिर कभी लास्ट मोमेंट पे जब मेरा कोई डिसीजन चेंज होता हो तो उससे रिलेटेड कभी कोई अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ, तो आप उन अपडेटेड वीडियो से अपडेटेड रह सके और आपको भी सही से सही आईपीओ में अप्लाई करने में डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले चलते हैं इस आईपीओ के डेट्स एंड डिटेल्स पर। ये आईपीओ ओपन होने वाला है 5 जून 2024 को, यानी कल ये आईपीओ ओपन हो जाएगा एंड क्लोज होगा 7 जून 2024 को, यानी 5 जून से 7 जून के बीच में आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी इंटीमेशन कि आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं, इसकी इंटीमेशन आपको मिल जाएगी 10 जून 2024 तक। अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो इसका जो अमाउंट है वो आपको रिफंड होगा 11 जून 2024 तक। अब इसकी लिस्टिंग डेट की शेयर मार्केट में कब लिस्टेड होंगे वो है 12 जून 2024, यानी 12 जून 2024 को ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाएंगे। कंपनी ने जो इसका इश्यू प्राइस रखा है वो रखा है 35 रुपीज़ पर शेयर का। एक लोट में 4,000 शेयर होने वाले हैं। इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो है 7 करोड़ का और ये पूरा का पूरा क्या है, फ्रेश इशू है। इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है वो होने वाली है बीएससी पर, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, और एक एसएमई शेयर है। शेयर होल्डिंग प्री इशू है इसकी 48,69,936 की, पोस्ट इशू हो जाएगी 68,69,936 की। अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एक लोट के लिए अप्लाई करना होगा और मैक्सिमम एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी से, जिसका अमाउंट होता है 1,40,000 का। पर अगर आपको HNI से अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 2 लोट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसका अमाउंट होगा 2,80,000 का। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं कि प्री इशू एंड पोस्ट इशू प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या हो जाएगी। प्री इशू है 84.06%, पोस्ट इशू रह जाएगी 59.59% की। अब आईपीओ का रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने कितने परसेंट से आईपीओ का रिजर्वेशन रखा गया है। तो जो रिटेल कैटेगरी है उसके लिए रखा है 50% का आईपीओ का रिजर्वेशन, अदर के लिए रखा है 50% का आईपीओ का रिजर्वेशन, यानी रिटेल एंड अदर के लिए 50-50% का आईपीओ का रिजर्वेशन रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इंफॉर्मेशन की। हमारे पास 3 साल का डाटा है, मार्च 2021, मार्च 2022, मार्च 2023 एंड 31 दिसंबर 2023 तक का भी हमारे पास डाटा है, जिसमें हमारे पास है एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट वर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस एंड टोटल बोरोइंग, और ये जो अमाउंट है वो हमें शो हो रहे हैं इन लेक्स में। तो जो एसेट्स थी 31 मार्च 2021 को वो थी 1,459.78 लैक्स की, मार्च 2022 में कम हो गई जो रह गई 1,415.60 लैक्स की, 31 मार्च 2023 को और कम हो गई जो रह गई 1,250.93 लैक्स की, एंड 31 दिसंबर 2023 को ये ऑलरेडी एक्सिट कर चुकी है। जो भी 3 साल तक का अभी तक अमाउंट था उससे ज़्यादा अमाउंट की ये एसेट्स हो चुकी है, जो हो चुकी है 1,500.06
5.71 लेख्स की। तो अगर हम 3 साल की डाटा के हिसाब से चलें तो जो एसेट्स है वो लगातार हर साल डिक्रीज में गई है। तो जो अगर एसेट्स लगातार हर साल डिक्रीज जा रही है तो एक तरह का हमारे लिए क्या है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। रेवेन्यू हमारे पास 31 मार्च 2021 को था 966.14 लेख्स का, मार्च 2022 में हो गया 938.47 लेख्स का, एंड 31 मार्च 2023 को ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज नहीं हुआ, यानी फ्लेट ही अमाउंट था जितना मार्च 2022 का था उसके आसपास ही इसका 31 मार्च 2023 को रेवेन्यू था वो था 955.29 लेख्स का, एंड 31 दिसंबर 2023 तक जो अभी रेवेन्यू चल रहा है वो सिर्फ चल रहा है 630.74 लेख्स का। तो जो रेवेन्यू अगर हम देखें वो भी लगातार एक तरह का मार्च 2021 से मार्च 2022 में कम हुआ, फिर मार्च 2023 में लगभग नील मतलब फ्लेट ही सेल से ज़्यादा परसेंट से इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसको अभी हम क्या करते हैं, एक तरह का नेगेटिव पॉइंट लेकर चलते हैं रेवेन्यू को, क्योंकि एक साल कम हुआ और अभी तक 31 दिसंबर 2023 तक इसमें इस अमाउंट को क्लोज भी नहीं किया है। तो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 31 मार्च 2021 को था 19.44 लेख का, मार्च 2022 में कम हो गया जो रह गया 18.89 लेख का, 31 मार्च 2023 को हो गया 24.55 लेख का, एंड 31 दिसंबर 2023 तक अभी तक ये ऑलरेडी हो चुका है 24.36 लेख का। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो एक साल कम हुआ था पर इन्होंने इसके बाद रिकवरी कर ली और 31 दिसंबर 2023 तक ये ऑलरेडी एक्सेट कर चुका है, इसको कर लेगा 31 मार्च 2024 की जब तक एंडिंग आएगी तब तक ही 31 मार्च 2023 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको एक्सिट कर देगा। अभी 31 दिसंबर 2023 तक नंबर ये इक्वल ही चल रहा है तो उसके आसपास ही चल रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एक तरह का प्लस पॉइंट लेकर चलते हैं। नेटवर्थ हमारे पास 31 मार्च 2021 को थी 142.85 लेख्स की, मार्च 2022 में हो गई 361.73 लेख्स की, मार्च 2023 में हो गई 520.81 लेख्स की, एंड 31 दिसंबर 2023 तक है 634.18 लेख्स की। तो जो नेटवर्थ है लगातार इंक्रीज में है तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का प्लस पॉइंट है। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास 31 मार्च 2021 को थे 20.84 लेख्स के, मार्च 2022 में हो गए 219.72 लेख्स के, 31 मार्च 2023 को हो गए 366.57 लेख्स के, एंड 31 दिसंबर 2023 तक अभी तक है 147.19 लेख्स के, पर हो सकता है कि जब तक मार्च 2024 की एंडिंग आएगी तब तक ये मार्च 2023 के अमाउंट को एक्सिट कर जाए। तो अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस के 3 साल की डाटा के हिसाब से चलें तो लगातार इंक्रीज है, तो ये भी हमारे लिए क्या एक तरह का प्लस पॉइंट है। 31 मार्च 2021 को बोरिंग से 982.73 लेख्स के, मार्च 2022 में कम हो गए जो रह गए 757.53 लेख्स के, मार्च 2023 में कम हो गए जो रह गए 453.01 लेख्स के, एंड 31 दिसंबर 2023 तक ये ऑलरेडी कम है जो है 447.83 लेख्स की। जो बोरिंग से लगातार डिक्रीज हो रही है, अगर बोरिंग से लगातार कम होती है तो हमारे लिए कंपनी के लिए एक बेनिफिट पॉइंट होता है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का प्लस पॉइंट है। प्राइम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करें कि रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है इन 2023 कंपैरिजन टू 2022, तो जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है 1.79%, यानी नील के बराबर ही इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा परसेंट से इंक्रीज नहीं हुआ है 2023 में कंपेरिजन टू 2022, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो रेज हुआ है 29.96% से इन 2023 कंपेरिजन टू 2022, जो काफ़ी अच्छा पॉइंट है एक तरह का। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 24.04 करोड़ की, यानी कि ज़्यादा इस कंपनी की अभी मार्केट वैल्यू नहीं है, सिर्फ 24.04 करोड़ की, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है अभी ये। KPI 31 दिसंबर 2023 दे रखे हैं हमारे पास, ROE दे रखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 5.62% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 13.41% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 3.84% का, PBV है इसका 2.68, PAT मार्जिन है 4.05%, EPS है प्री IPO 0.5, पोस्ट IPO हो जाएगा 0.47 का, PES का प्री IPO 69.43 का, पोस्ट IPO हो जाएगा 74.03 का। अगर हम देखें जैसे कि इसका रिटर्न, मैं हमेशा कहती हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर आपके 15 से 20 या फिर उससे ज़्यादा है तो ही आपके लिए प्लस पॉइंट है, अदरवाइज वो आपके लिए क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो क्या है 5.62%, यानी 15 से काफ़ी कम है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 13.41%, यानी ये भी क्या है 15 से कम है, तो ये भी हमारे लिए एक तरह का नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है हमारे पास 3.84%, यानी 15 से काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये भी हमारे लिए एक तरह का क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। डेट टू इक्विटी रेशियो हमारे पास अभी नहीं दे रखा है, जब हम कभी इसकी इस IPO की अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे, जब IPO क्लोज होने वाला होगा उससे एक दिन पहले, तो अगर उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ आती है डेट टू इक्विटी रेशियो की तो हम उसमें बात करेंगे। पर उसके लिए क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस IPO से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ तो आप उन अपडेटेड वीडियो से अपडेटेड रह सके। चलिए अब बात करते हैं इस IPO के GMP की।
1 जून 2024 को एंड 2 जून 2024 तक इसका कोई जीएमपी शो नहीं हो रहा था, 0% 0 रुपए जीएमपी शो हो रहा था। 3 जून 2024 को जो इसका जीएमपी शो हो रहा था वो था 28 रुपीज का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 80% का। 4 जून 2024 जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है करंट, उस समय जो इसका करंट जीएमपी चल रहा है वो भी सेम ही चल रहा है, 28 रुपीज का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 80% का। तो अगर हम एक प्रॉफिट का अंदाजा लगाएं कि इसका जो आईपीओ है, ये जो आईपीओ है इसी प्राइस पर और इसी जीएमपी पर मार्केट में लिस्टेड होता है, तो हमें कितने तक का प्रॉफिट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जैसे कि इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,40,000 का, अगर हम इसमें जीएमपी ऐड कर दें 80%, तो हमें लगभग 1,12,000 के आसपास का प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे, अगर ये इसी प्राइस पर और इसी जीएमपी पर मार्केट में लिस्टेड होता है तो। पर जो जीएमपी वो क्या होता है, डे टू डे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। अभी ये आईपीओ 7 जून तक क्लोज होगा, तो हो सकता है कि तब तक इसका जो आईपीओ का जीएमपी है वो इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए। तो अगर ऐसे में कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 7 जून को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो हम 6 जून को एक अपडेटेड वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम अपडेटेड जीएमपी की एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करेंगे। फिर जो हमारा आज फाइनल डिसीजन होने वाला है अप्लाई करने का या फिर नहीं करने का, उसको जो भी कंसीडर करना होगा, चेंज करने का या फिर उसको कंटिन्यू करने का जो भी डिसीजन होगा, वो हम जब अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे उसमें अगर हम फाइनल कन्फर्मेशन लेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में फाइनली अप्लाई करना है या नहीं। तो उस वीडियो को देखने के लिए क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी किसी भी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड वीडियो लेकर आऊं, या फिर कोई भी नई वीडियोस लेकर आऊं, या फिर कभी भी मेरा कोई लास्ट मोमेंट पे कभी भी किसी भी आईपीओ से रिलेटेड कोई डिसीजन चेंज होता है, तो उस अपडेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रह सके और आपको भी सही से सही आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हेल्प मिल सके। चलिए अब हम फाइनली एनालाइज कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हमने इस कंपनी के फाइनेंस देखे, फाइनेंस के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट थी, ये तो एक तो ऐसे जो थी वो लगातार हर साल डिक्रीज हो रही थी, जो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट था। रेवेन्यू क्या था, एक साल कम हुआ, एक साल बड़ा, और बड़ा भी कितना, नेगलेट के बराबर, तो उसको हमने क्या करा था, एक तरह का नेगेटिव पॉइंट लेकर ही कंसीडर किया था। इसके अलावा जो इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है, केपीआई फैक्टर जो हमने देखे, केपीआई फैक्टर में क्या था, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो भी थे, सारे के सारे वो क्या थे, नेगेटिव, मतलब 15 से कम थे, तो वो भी हमारे लिए क्या था, एक तरह का नेगेटिव पॉइंट था। और इसका जो जीएमपी चल रहा है फिलहाल अभी क्या चल रहा है, 80% चल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ वो होते हैं जो हायर रिस्क वाले आईपीओ होते हैं, तो जिनमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो आप, 0% रिस्क लेना चाहते हो, तो तभी किसी आईपीओ में अप्लाई करें जब आईपीओ क्लोज होने वाला हो, तब उसका जीएमपी कितना चल रहा हो, 100% से ओवर चल रहा हो। अगर 100% से ओवर है जब आईपीओ क्लोज होने वाला हो किसी भी आईपीओ का जीएमपी, तो उसमें 0% रिस्क होता है। पर अगर मान लीजिए किसी भी आईपीओ का जीएमपी 60 से 100% के से बीच में है, तो उसमें अगर हम रिस्क फैक्टर देखें तो 20 से 30% का रिस्क फैक्टर रहेगा ही। और ये रिस्क फैक्टर इसलिए है क्योंकि जब मार्केट क्लोज होता है, मतलब जब आईपीओ क्लोज होता है और जब आईपीओ लिस्टेड होता है, तो उसमें जो डेज का डिफरेंस होता है कई बार काफी ज्यादा हो जाता है, 5 से 6 दिन का डिफरेंस हो जाता है। तो हो सकता है कि उस डेज के बीच में उस कंपनी से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आए जिससे उसका जीएमपी डिक्रीज हो जाए, या फिर मार्केट ओवरऑल मार्केट ही डाउन चल रहा हो, तो उसके जो जिस भी आईपीओ का जीएमपी 60 से 100% का होता है, उस जीएमपी को गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये जो रिस्क होता है वो मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है कि जब आईपीओ लिस्टेड होने वाला उस समय जब आईपीओ लिस्टेड होने वाला उस समय मार्केट कंडीशन क्या चल रही है। तो जैसे कि और अगर मान लीजिए मार्केट जब आईपीओ लिस्टेड होने वाला हो उस समय मार्केट कंडीशन अच्छी चल रही हो, उसके साथ साथ उसके जो फाइनेंस है, केपीआई फैक्टर है, जो भी सारे पॉइंट है वो पॉजिटिव में चल रहे हो, तो वो आईपीओ आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। पर अगर मान लीजिए जब आईपीओ लिस्टेड होने वाला हो मार्केट डाउन चल रहा हो, तो उसमें रिस्क फैक्टर हमेशा 20 से 30% रहेगा ही रहेगा। तो अभी फिलहाल जो इस आईपीओ का जीएमपी है वो कितना है, 60-80% है, यानी 60 से 100% के बीच में है। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो 20 से 30% का है। उसके साथ साथ इसके जो अभी फाइनेंस हमने केपीआई फैक्टर देखे, फाइनेंशियल टर्म देखे, वो भी हमारे पास नेगेटिव में काफी ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सब क्या है, 15 से कम है। तो ये भी हमारे लिए एक तरह का नेगेटिव पॉइंट है। एसेट्स लगातार हर साल डिक्रीज हुई है एक तरह का, ये भी हमारे नेगेटिव पॉइंट है। तो उसमें अगर हम रिस्क फैक्टर देखें, एक तो मार्केट फैक्टर 20-30%, और जो इसके जो हमने फाइनेंशियल टर्म देखे उन सबको नेगेटिव पॉइंट को कंसीडर करती हूँ। इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो 30 से 40% का है, जो अभी काफी ज्यादा हाई फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है इस आईपीओ के अकॉर्डिंग। तो मैंने अपना जो फाइनल डिसीजन है वो बना लिया है कि मैं जो हमने इसके फाइनेंशियल टर्म देखे है, इसका जो जीएमपी है और जो रिस्क फैक्टर है, उसको बेसिस पे रखते हुए अभी फिलहाल मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रही हूँ। पर ये आईपीओ अभी क्लोज नहीं हुआ है, 7 जून तक ये आईपीओ क्लोज होने वाला है। हो सकता है कि तब तक इसका जीएमपी अगर 100% के ओवर चला जाए और हमें हमारे डिसीजन को चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो जो 7 जून है उससे एक दिन पहले 6 जून को मैं एक अपडेटेड वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हम जीएमपी की
एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात कर रहे हैं करेंगे, और जो हमारा फाइनल डिसीजन होगा जो आज हमने लिया है अप्लाई नहीं करने का या फिर उसको चेंज करने की भी रिक्वायरमेंट होगी, उसमें हम जब हम अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम फाइनल डिसीजन ले लेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो उस वीडियो को देखने के लिए क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई किसी भी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ या फिर लास्ट मोमेंट पे कभी भी मेरा कोई डिसीजन चेंज होता हो उससे रिलेटेड कोई अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ तो आप उन अपडेटेड वीडियो से अपडेटेड रह सके। तो आज का और मैंने आपको अपना फाइनल डिसीजन बता दिया है कि मैं इस आईपीओ में अभी फिलहाल अप्लाई नहीं कर रही हूँ, हम जब अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे 6 जून को उस दिन हम अपना फाइनल डिसीजन ले लेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।